बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ। वेलकम टू माय चैनल व्यूअर्स, आई एम उम्मे मोहम्मद एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय न्यू सब्सक्राइबर्स। और आप में से जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आप लोग देख सकते हैं, दीज आर द एनालिटिक्स ऑफ माय चैनल। आप क्लियरली देख सकते हैं जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उससे ज़्यादा तादाद मेरे उन व्यूअर्स की है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो के नीचे एक छोटा सा बटन है सब्सक्राइब का, जिसको आपने क्लिक करना है एंड इट इज़ टोटली 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 फ्री। आप लोगों का फीडबैक हम क्रिएटर्स के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। हम लोग बहुत हार्डवर्क करके कॉन्टेंट इकट्ठा करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एडिटिंग करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। और आपकी तरफ से हमें इतना सारे रिवॉर्ड चाहिए कि अगर आपको हमारी वीडियोस से कोई फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द बुक अकबर एंड क्रोस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द पेडलर ऑफ स्वाहम। इस वर्ड को हम स्वाहम भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। द पेडलर ऑफ स्वाहम, स्वाहम का फेरी वाला। देयर लिव्ड इन फॉर्मर टाइम्स इन द विलेज ऑफ स्वाहम और सोहम इन नॉरफोक इंग्लैंड अ मैन बाय द नेम ऑफ जॉन चैपमैन। पुराने वक्तों की बात है, इंग्लैंड के एक इलाके नॉरफोक के एक गांव में जॉन चैपमैन नामी एक आदमी रहता था। जॉन वॉज अ सिंपल मैन, ही वॉज ऑल्सो वेरी पुअर। जॉन एक सादा इंसान था और वो बहुत गरीब भी था। जॉन अर्न हिज लिविंग एज अ पेडलर, जॉन एक फेरी वाले के तौर पर अपनी रोज़ी कमाता था। हिज जॉब वॉज टू कैरी अ सैक ऑफ वेयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टू सेल व्हाट ही कुड वेयर ही कुड एंड व्हेन ही कुड। उसका काम था सामान की एक बोरी उठाकर जगह जगह घूमना और बेचना, जो भी जहाँ भी और जब भी वो बेच सके। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब, एक आसान काम नहीं था। स्पेशली व्हेन द वेदर वॉज नॉट प्लेजेंट, खास तौर पर तब जब मौसम खुशगवार ना हो। वन पर्टिकुलर विंटर जॉन कैरिड हिज सैक ऑफ गुड्स टू मैनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड नॉरफोक। एक ख़ास मौसम सरमा में जॉन अपनी अशिया की बोरी उठाकर नॉरफोक के कई कस्बों और देहातों में गया। ही हैड बीन अवे फ्रॉम होम फॉर मैनी वीक्स, वो कई हफ्तों तक घर से दूर रहा। द विंटर दैट ईयर हैड बीन हार्श इंडीड, बेशक उस साल सर्दी का मौसम भी सख्त था। There had been thick snow on the ground and the blustery wind had been bitterly cold. ज़मीन पर बर्फ की एक तह थी और तुंद तेज हवा भी शदीद सर्द थी। One evening after trudging from town to town for two long days, John returned to his humble cottage. दो लंबे दिनों तक एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक घिसटने के बाद एक शाम जॉन अपनी मामूली सी झोंपड़ी में वापस आ गया। He was exhausted and hungry. वो थका हुआ था और भूखा था। His feet felt sore, what with all the walking he had done. उसने अपने सारे पैदल सफर से बस इतना पाया कि उसके पांव सूजन महसूस कर रहे थे। His undersized boots pinched his toes. उसके पांव के साइज से छोटे जूते उसकी उंगलियों को दबा रहे थे। His back ached from the weight of the heavy sack he had borne. उसने जो भारी बोरी उठा रखी थी उसके वजन की वजह से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। It was weighty when he had set off from his home. जब वो अपने घर से रवाना हुआ तो वो भारी थी। It was weighty still, for the poor man had had little luck. He had sold a few of his wares. वो अब भी भारी थी, गरीब इंसान की कम नसीबी थी कि वो कुछ ही अशिया बेच पाया था। John sank into his chair in a heap. John एक ढेर में पड़ी अपनी कुर्सी के अंदर घुस गया। His dog whimpered and lay down on the floor beside his chair. उसके कुत्ते ने हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज़ निकाली और उसकी कुर्सी के साथ नीचे फर्श पर लेट गया। John bent over and eased the boots off his swollen feet. John नीचे झुका और अपने सूजे हुए पाँव से अपने जूतों को थोड़ा ढीला किया। He grimaced in agony. वो अजियत से मुस्कराया। The faithful dog looked up at his master and seeing his pain began to lick John's feet. टेंडरली वफादार कुत्ते ने अपने मालिक की तरफ देखा और उसके दर्द को देखते हुए उसके पाँव को नरमी से चाटना शुरू कर दिया।
The animal could see how distressed John looked and it felt sorry for him. जानवर भी देख सकता था कि जॉन कितना परेशान है और उसके लिए दुख महसूस कर रहा था. जॉन पैटेड द डॉग्स बैक एंड साइड. जॉन ने कुत्ते की कमर को थपथपाया और आह भरी. ही वुड फीड द डॉग हैव अ बाउल ऑफ सूप हिमसेल्फ. वो कुत्ते को खाना देगा और अपने लिए भी यखनी का प्याला लेगा. इफ़ देयर वॉज एनी फूड एट ऑल टू बी फाउंड इन द हाउस. अगर उसके घर में कोई भी खाना हुआ तो. एंड देन गो टू बेड. और फिर बिस्तर पर चला जाएगा. बट फर्स्ट ही वुड हैव टू फेच सम वुड टू लाइट अ फायर. लेकिन सबसे पहले उसको लकड़ियाँ लानी होंगी आग जलाने के लिए. His small house was freezing and the temperature would certainly drop much lower during the long night. उसका छोटा सा घर मुंजमद हो रहा था और यकीनन लंबी रात में तो दर्जा हरारत और भी गिरना था. John stood up with some difficulty. John कुछ मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ. He hobbled along to the wood pile just outside the back door. वो लकड़ियों के ढेर में घुस गया जो पिछले दरवाजे के बिल्कुल बाहर की तरफ था. The stone floor was so cold. पत्थर का फर्श बहुत ठंडा था. He took up an armful of kindling and a few logs and hurried back to stand on the small rug in front of the fireplace. उसने अपने बाजुओं में कुछ लकड़ियाँ और जलाने का मवाद उठाया और जल्दी से वापस आया अंगीठी के सामने पड़े कालीन के टुकड़े पर खड़े होने के लिए. He put some of the kindling in the fireplace and lit a match. उसने थोड़ा सा आग जलाने वाला मवाद आग जलाने वाली जगह पर डाला और एक दिया सलाई जलाई. Very soon a fire was blazing away and he was able to warm his hands and feet. जल्द ही आग भड़क उठी और अपने हाथ और पांव गर्म करने के काबिल हो गया. After a while he began to feel much better. कुछ ही देर के बाद उसने बहुत बेहतर महसूस करना शुरू कर दिया. When the dog had been fed, John set about making himself some soup. जब वो कुत्ते को खाना दे चुका तो उसने अपने लिए सूप बनाने का इरादा किया. When it was ready, he took his bowl and settled back in his armchair by the fire. जब वो तैयार हो गया तो उसने अपना प्याला लिया और आग के पास पड़ी अपनी आराम कुर्सी पर बराजमान हुआ. He sipped at the soup hungrily and wished that he had some bread to dip into it. उसने बहुत भूख की हालत में यखनी का एक घूंट लिया और तमन्ना की काश उसके पास कुछ रोटी होती इसमें डुबोने के लिए. Having almost burnt his lips in his eagerness to drink the hot soup, John wrapped himself in a warm blanket and curled up in front of the fire. गर्म सूप पीने के इश्तियाक में अपने होंठ तकरीबन जलाने के बाद जॉन एक गर्म कंबल में अपने आप को लपेट कर आग के सामने बैठ गया. It would be too cold to move into his small bedroom and get into an icy bed, he thought. And besides, the fire had warmed the sitting room nicely. उसने सोचा इस वक्त सोने वाले कमरे में जाना और बर्फ़ वाले बिस्तर में घुसना बहुत ठंडा होगा जबकि आग ने बैठने वाले कमरे को अच्छे से गर्म कर दिया है. So John decided to spend the night where he was. बस जॉन ने फैसला किया कि वो वहीं रात गुजारेगा जहाँ वो है. Soon with his dog curled up beside him, the worn out peddler was fast asleep into the land of dreams. उसके कुत्ते के साथ जो उसके साथ ही झुका हुआ था जल्द ही थका हुआ पेरी वाला बहुत गहरी नींद सो गया और सपनों की दुनिया में खो गया. During the night, John did indeed have a number of dreams, but one in particular was most strange. रात के दौरान जॉन ने बेशक बहुत सारे सपने देखे लेकिन उनमें से एक खास बहुत ही अजीब था. He dreamed that he was standing on London Bridge, although he had never been to London. उसने ख्वाब में देखा कि वो लंदन ब्रिज पर खड़ा है हालांकि वो इससे पहले लंदन कभी नहीं गया. And there he heard some good news. और वहां उसने कोई खुशखबरी सुनी. When he woke up in the morning, he remembered the dream. सुबह जब वो उठा तो उसने अपना ख्वाब याद किया. Fancy that, John said to his dog. जॉन ने अपने कुत्ते से कहा. वो बहुत पुरकशिश था. If I go to London and stand on London Bridge, I shall hear some joyful news which will change my fortune. Ha, that's hard to believe. अगर मैं लंदन जाऊं और लंदन ब्रिज पर खड़ा हो जाऊं, तो वहां मुझे एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी. हाँ, इस पर यकीन करना मुश्किल है. जॉन हैड नो प्लान्स टू गो टू लंदन. जॉन का लंदन जाने का कोई मंसूबा नहीं था. It was a long way off and he was not going to walk all that way because of a dream.
ये एक बहुत लंबा रास्ता था और सिर्फ एक ख्वाब की वजह से वो इतना लंबा रास्ता चलने वाला नहीं था। ही हैड नेवर बीन देयर इन हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी में वहाँ कभी नहीं गया था। नॉर डिड ही इंटेंड गोइंग देयर नाउ, ना ही अब उसकी वहाँ जाने की कोई नीयत थी। एंड सर्टनली नॉट बिकॉज ही हैड हैड अ ड्रीम, और यकीनन इस वजह से तो बिल्कुल भी नहीं कि उसने एक ख्वाब देखा। बट ही डिड वॉन्डर वट द ड्रीम वॉज ऑल अबाउट, लेकिन वो हैरान था कि यह ख्वाब किस बारे में था। ही हैड नॉट हैड मच लक सेलिंग एनी थिंग रिसेंटली, और हाल ही में उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो कुछ बेच पाता। सो ही डिड नॉट हैव मच मनी, बस उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। ही वॉन्डर्ड हाउ ही वुड गेट थ्रू द विंटर, हाउ ही वुड फीड हिमसेल्फ एंड हिज डॉग, वो सोच में मुबतला था कि वो इन सर्दियों को कैसे गुजारेगा और अपने कुत्ते का पेट कैसे पालेगा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज जॉन डिड नॉट गो वेरी फार फ्रॉम होम, अगले कुछ दिनों तक जॉन अपने घर से ज़्यादा दूर नहीं गया। ही हैड वॉक्ड सो मच ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक्स दैट हिज बूट्स वर इन टैटर्स, पिछले हफ्तों में वो इतना चल चुका था कि उसके जूते खस्ता हाल हो चुके थे। ही वुड हैव टू बाई अ न्यू पेयर सून बट विद वट, उसे जल्द ही एक नया जोड़ा खरीदना होगा लेकिन किस चीज़ से। देन अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपेंड, फिर एक बहुत अजीब बात हुई। वन नाइट सून आफ्टरवर्ड्स जॉन हैड द वेरी सेम ड्रीम अगेन, कुछ दिनों के बाद जल्द ही एक रात जॉन ने वही ख्वाब दोबारा देखा। ही वॉज नाउ वेरी कन्फ्यूज्ड, अब वह बहुत उलझन में था। इन द मॉर्निंग ही सेड टू हिज डॉग दैट्स अ फनी थिंग, सुबह के वक्त उसने अपने कुत्ते से कहा यह एक मजाहिया बात है। Do you think I should go to London and stand on London Bridge waiting for some joyful news? तुम क्या सोचते हो, मुझे लंदन जाना चाहिए और लंदन ब्रिज पर खड़े होकर किसी खुशखबरी का इंतज़ार करना चाहिए? The dog did not answer, कुत्ते ने जवाब नहीं दिया। It looked up at him with its eyes like saucers, wagged its tail and tried to lick his hand. उसने अपनी तश्तरियों जैसी आंखों से उसकी तरफ ऊपर देखा, अपनी दुम हिलाई और उसके हाथ को चाटने की कोशिश की। जॉन डिसमिस्ड द ड्रीम फ्रॉम हिज माइंड, जॉन ने अपने दिमाग से ख्वाब को नज़रअंदाज किया। बट व्हेन ही हैड द सेम ड्रीम फॉर द थर्ड टाइम ही बिगन टू वंडर, लेकिन जब उसने यही ख्वाब तीसरी दफ़ा देखा तो वो सोचने लगा। वेदर देयर वॉज इंडीड सम मैसेज इन इट फॉर हिम, ही थॉट अबाउट द ड्रीम अ ग्रेट डील फ्रॉम देन ऑन, क्या वाकई ही इसमें उसके लिए कोई पैगाम है। तब से उसने उस ख्वाब के बारे में एक अच्छी पेशकश के तौर पर सोचना शुरू कर दिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग ही अनाउंस्ड टू हिज डॉग, कम ऑन फेला व्हाट हैव आई टू लूज, अगली सुबह उसने अपने कुत्ते के सामने ऐलान किया, चलो दोस्त हमारे पास खोने के लिए है भी क्या। लेट्स गो एंड सी इफ देयर इज एनी ट्रूथ इन दिस ड्रीम, चलो चलते हैं और देखते हैं अगर इस ख्वाब में कोई सच्चाई है तो। So, though it was still very cold and spring and London were a long way off, John and his dog set out on the road to the city. गर्चे अब भी बहुत सर्दी ही थी, लंदन और बाहर दोनों ही बहुत दूर थे, फिर भी जॉन और उसका कुत्ता शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़े। This time, unusually, he did not take his sack of wares with him. He could not say why. इस मर्तबा गैर मामूली तौर पर उसने अपने सामान की बोरी नहीं उठाई, वो नहीं बता सकता कि क्यों। जॉन एंड हिज डॉग ट्रज्ड साउथ टुवर्ड्स लंदन, जुनूब की तरफ जॉन और उसका कुत्ता मुश्किल से चल पड़े लंदन की तरफ। दे पैस्ड अलोंग स्ट्रेंज एंड लोनली पैथ्स एंड ट्रैक्स थ्रू द स्नो एंड द स्लश फॉर 3 डेज, बर्फ और कीचड़ से होते हुए अजीब और सुनसान रास्तों और सड़कों पर वो 3 दिन तक चलते रहे। From time to time, kind people on the way felt sorry for the poor man and his dog and gave them scraps of food to eat. वक्तन फवक्तन रास्ते में उनको मेहरबान लोग मिलते रहे जो गरीब आदमी और उसके कुत्ते के लिए अफसोस महसूस कर रहे थे और उनको खाने के लिए खुराक के टुकड़े देते रहे। It was a long, hard journey. ये एक लंबा और सख्त सफ़र था। At last, quite exhausted, they reached the smoky city of London. आखिरकार बहुत ज़्यादा थके हुए वो लंदन के धुआंधार शहर में पहुँचे। John made his way directly to London Bridge. John सीधा लंदन ब्रिज पर चला गया।
When John and his dog arrived at the bridge, they crossed to the middle and stood there looking at the swirling green water of the Thames below. जब जॉन और उसका कुत्ता पुल पर पहुंचे, तो वो पुल को क्रॉस करते हुए दरमियान में चले गए और वहां खड़े होकर नीचे बहने वाले दरिया थेम्स के हरे रंग के पानी को पल खाता हुआ देखने लगे। जॉन वेटेड पेशेंटली फॉर 3 whole days टू हियर सम जॉयफुल न्यूज़। जॉन ने 3 दिन तक बहुत सब्र के साथ खुशखबरी सुनने का इंतज़ार किया। बट हु वुड गिव हिम दिस न्यूज़, लेकिन कौन उसको यह खबर देगा? फ्रॉम वेयर वुड द न्यूज़ कम, खबर कहाँ से आएगी? व्हाट जॉय वुड दिस न्यूज़ ब्रिंग हिम, यह खबर उसके लिए क्या खुशी लेकर आएगी? दीज क्वेश्चंस रिपीटेड देमसेल्व्स इन हिज माइंड, ये सवालात अपने आप को उसके दिमाग में दोहराते रहे। एंड ही हैड नो आइडिया अबाउट एनी ऑफ द आंसर्स, और उसके पास किसी का भी जवाब नहीं था। स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज इन द मिस्ट एंड द ड्रिजल, जॉन अपीयर्ड अ ब्यूटीफुल साइट। धुंध और बूंदाबांदी में पुल पर खड़े होते हुए जॉन एक अफसोसनाक मंजर पेश कर रहा था। He seldom moved from this spot during his long wait for an answer. उसके जवाब के लंबे इंतज़ार के दौरान वो कम ही अपनी जगह से हिलता। As John continues his lonely wait on the bridge, people came and went. जब जॉन ने पुल पर अकेले इंतज़ार जारी रखा, लोग आते और जाते रहे। They passed by him but took no notice. उसके साथ से गुजरते लेकिन उसकी तरफ ध्यान न देते। They did not stop to inquire why he was waiting here. वो उससे रुककर ना पूछते कि वो यहाँ क्यों इंतज़ार कर रहा है। Then from a shop close by, a shopkeeper who had noticed John standing on the bridge decided to find out about the stranger on the bridge. फिर करीब की एक दुकान के दुकानदार ने जॉन की तरफ तवज्जो की जो पुल पर खड़ा था। उसने फैसला किया कि वो पुल पर खड़े अजनबी के बारे में जानेगा। I wonder why that poor man stands on the bridge each day. मैं हैरान हूँ कि गरीब आदमी पुल पर हर दिन क्यों खड़ा होता है। Said the shopkeeper to himself, उस दुकानदार ने अपने आप से कहा। He does not sell anything, कोई चीज़ बेचता भी नहीं। He does not beg for alms, वो भीख भी नहीं मांगता। What can he be up to, वो क्या कर सकता है? Out of curiosity, the shopkeeper left his shop and approached John. तजस्सुस की वजह से दुकानदार ने अपनी दुकान छोड़ी और जॉन के पास पहुंच गया। गुड डे, सेड द शॉपकीपर एज ही ड्रू क्लोज टू जॉन। जैसे ही वो दुकानदार जॉन के नज़दीक पहुंचा, उसने कहा, आपका दिन अच्छा हो। जॉन ब्रीफली लुक्ड अप, ग्रीटेड द शॉपकीपर विद अ नॉड। जॉन ने सरसरी निगाह ऊपर की तरफ दौड़ाई और दुकानदार का जवाब सर हिला कर दिया। एंड टर्न टू गेज वंस अगेन एट द मर्की रिवर, पर गदले पानी को घूरने के लिए एक बार फिर से मुड़ा। आई हैव सीन यू स्टैंडिंग हेयर फॉर 3 days, कंटिन्यूड द शॉपकीपर, दुकानदार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं देख रहा हूँ आप यहाँ 3 दिन से खड़े हैं। मे आई आस्क वट इट इज़ यू वेट फॉर एंड वट इज़ योर बिजनेस, क्या मैं पूछ सकता हूँ वो क्या है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और आपका कारोबार क्या है? माई नेम इज़ जॉन चैपमैन, रिप्लाइड जॉन। जॉन ने जवाब दिया, मेरा नाम जॉन चैपमैन है। I am a peddler from Soham, but I have not brought any goods to sell. मैं सोहम का फेरी वाला हूँ, लेकिन मैं अपनी कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं लेकर आया। I had a dream in which I was told to come and stand on London Bridge, where I would hear some joyful news. मैंने एक ख्वाब देखा जिसमें मुझे कहा गया कि मैं यहाँ आऊँ और लंदन ब्रिज पर खड़ा हो जाऊँ। ऐसा करने से मुझे एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। So here I am, sir. बस जनाब, मैं यहाँ हूँ। As John turned his eyes to the river once more, जैसे ही एक दफ़ा फिर जॉन ने अपनी आंखें दरिया की तरफ घुमाई, the shopkeeper began to laugh heartily. दुकानदार ने दिल खोलकर हंसना शुरू कर दिया। Why do you laugh, sir? asked John, looking at the shopkeeper. दुकानदार की तरफ देखते हुए जॉन ने सवाल किया, जनाब आप हंस क्यों रहे हैं? Do you mean to say you have come all this way to stand in the mist and the cold each day because of a dream? तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम इतने दूर से यहाँ आए और धुंध और सर्दी में हर रोज़ यहाँ खड़े हो सिर्फ एक सपने की वजह से? Asked the astonished shopkeeper. हैरान होते हुए दुकानदार ने पूछा। Yes, replied John. John ने जवाब दिया, हाँ।
I would not be such a fool as you, country fellow, mocked the amused shopkeeper. दिल लगी करते हुए और मजाक उड़ाते हुए दुकानदार ने कहा, देहाती साथी, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं बनना चाहूँगा. Last night I dreamed that I was at Swaham in Norfolk, a place completely unknown to me. पिछली रात मैंने एक ख्वाब देखा. मैं नॉर्फोक के इलाके स्वाहाम में था, जिस इलाके को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था. I dreamed that behind a peddler's house in a certain orchard. मैंने ख्वाब में देखा कि एक फेरी वाले के घर के पीछे एक खास बाग में and under a great oak tree और एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे there is a vast treasure, एक बहुत बड़ा खजाना है. But I am not such a fool as to make a long journey because of a silly dream. लेकिन मैं ऐसा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इतना लंबा सफ़र सिर्फ एक फजूल से ख्वाब के लिए करूँ. नो नो फ्रेंड, नहीं नहीं दोस्त, आई एम वाइजर देन दैट, मैं इससे अक्लमंद हूँ. जॉन लिसन टू वर्ड द शॉपकीपर हैड टू से बट गिव नो रिप्लाई. जॉन ने सुना जो भी वो दुकानदार कहना चाहता था, लेकिन कोई जवाब ना दिया. ही थॉट टू हिमसेल्फ, परहैप्स इनडीड आई हैव बीन वेरी फुलिश, परहैप्स आई शुड हैव जस्ट स्टेड एट होम. उसने अपने आप से सोचा, अगरचे बेशक मैं बहुत ही बेवकूफ़ हूँ, अगरचे मुझे अपने घर पर ही रहना चाहिए था. द शॉपकीपर टर्न्ड टू लीव, दुकानदार जाने के लिए मुड़ा. बट बिफोर ही वेंट ही सेड, लेकिन इससे पहले कि वह जाता उसने कहा, इफ़ आई वर यू गुड फेलो लर्न सम साउंड सेंस फ्रॉम मी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मुझसे कुछ समझ बूझ लेता. गो होम, घर जाओ. यू विल कैच योर डेथ ऑफ कोल्ड ऑन दिस ब्रिज, इस पुल पर तुम ठंड से मर जाओगे. यू आर वेस्टिंग योर टाइम हेयर, यहाँ तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो. When the shopkeeper had gone, जब वो दुकानदार चला गया, John thought some more about his words. John ने उसके अल्फाज पर कुछ और गौर किया. He felt in his heart that the shopkeeper's advice was what he had dreamed about. उसने अपने दिल में महसूस किया वो ख्वाब दुकानदार की नसीहत के बारे में ही था. Perhaps without knowing it, the shopkeeper had indeed given him joyful news. अगरचे ना जानते हुए दुकानदार ने बेशक उसे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है. The peddler left immediately. फेरी वाले ने जल्दी से वो जगह छोड़ी. He did not waste any time along the way, but hurried home. उसने रास्ते में बिल्कुल भी कोई वक्त ज़ाया नहीं किया और जल्दी से घर पहुंचा. And as soon as he arrived at his cottage, he went and fetched a spade. और जैसे ही वो अपनी झोंपड़ी में पहुंचा, उसने एक भाला लिया. And began to dig the earth in his garden. और अपने बाग में ज़मीन को खोदना शुरू किया. Under the great oak tree, शाहबलूत के बड़े दरख्त के नीचे, just as the shopkeeper had stated, बिल्कुल वैसे ही जैसे दुकानदार ने बताया था. After digging for half an hour, आधे घंटे तक खुदाई के बाद, John's spade struck something solid. जॉन का भाला किसी ठोस चीज़ के साथ टकराया. It was not a rock, ये चट्टान नहीं थी. It was a pot of gold, ये सोने का एक बर्तन था. A little later, he unearthed another pot of gold. थोड़ी देर के बाद उसने सोने का एक और बर्तन ज़मीन से निकाला. John was delighted, John बहुत खुश था. With his lucky find, all because of a dream, John grew exceedingly rich. अपनी खुशकिस्मत खोज के साथ, जो एक ख्वाब की वजह से हुई, जॉन बहुत जल्दी बहुत अमीर हो गया. However, he did not keep all his riches for himself. ताहम उसने अपनी सारी दौलत अपने लिए नहीं रखी. He gave a great sum of money towards the repair of the church of St. Peter and St. Paul in Swaham. उसने स्वाहाम में सेंट पीटर और सेंट पॉल चर्च की मरम्मत के लिए बहुत बड़ी रकम दी. And to this day, yes, it is true, there is a stone statue there. और आज के दिन भी, हाँ, ये सच है, वहाँ पत्थर से बना हुआ उसका एक मुजस्मा है. Which shows John with a pack on his back and his faithful dog at his heels. जो ये दिखाता है कि जॉन ने अपनी कमर पर एक पैक उठा रखा है और उसके बिल्कुल पीछे ही उसका वफादार कुत्ता है. So this was the end of this story. Hope you liked it. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.